दोस्तों, आज के दौर पर दुनिया में इतनी तरक्की हो गई है कि मानव का पूरा जीवन ही बदल चुका है। दुनिया चांद तक पहुंच गई है, लेकिन फिर भी हमारे भारत में कुछ ऐसी जाति रहती है जिनकी रहनी करनी एकदम हमारे पूर्वज आदिवासियों की तरह ही है। वो बिल्कुल ही बदले नहीं है, उनके रीति रिवाज भी बहुत ही अजीब है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अंडमान द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो देर किस बात की है, चलिए जानते हैं इसकी जाति के बारे में। अंडमान निकोबार का सेंटिनल द्वीप भारत के बंगाल में मौजूद है और घूमने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यह द्वीप चारों तरफ से समुद्र से घेरा हुआ है और वहां जाने के लिए बोट या फिर हवाई जहाज से ही जा सकते हैं, लेकिन वहां जाना खतरों से खाली नहीं है और इसी वजह से हमारी सरकार ने इस द्वीप पर प्रतिबंध लगाया है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक टापू में गिना जाता है। और इसका कारण है वहां के सेंटिनल आदिवासी जो कि बहुत ही खतरनाक है। वहां के बारे में एक बात प्रचलित है कि जिसने भी वहां जाने की कोशिश की है वो जिंदा लौट कर नहीं आया है। इस द्वीप पर सेंटिनल और जारवा जाति के लोग रहते हैं। दोनों की सभ्यता अलग अलग है, लेकिन दोनों ही आदिवासी भारत के अंडमान द्वीप में रहते हैं। इन लोगों को बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। इनमें से सेंटिनल जाति के आदिवासी बेहद ही खतरनाक और आज भी पुरानी सभ्यता के साथ जीवन जी रहे हैं, जबकि जारवा जाति के आदिवासी में फिलहाल थोड़ा बहुत सुधार आया है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से जंगली ही है और खतरनाक भी है। बताया जाता है कि अगर इनके इलाके में कोई भी प्रवेश करता है तो वो लोग उनका स्वागत तीर कमान से करते हैं, चाहे वो उनकी मदद के लिए ही क्यों ना आया हो, तब भी वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उन पर हमला करते हैं। चलिए जानते हैं उनके कुछ रीति रिवाज के बारे में। वहाँ के रीति रिवाज बहुत ही अजीबो गरीब है। सेंटिनल जाति के लोग लाल रंग को ज्यादा पसंद करते हैं और वे लोग बुद्ध की पूजा भी करते हैं और उन पर यकीन भी करते हैं। इनके अलावा वो लोग हिरण का शिकार कभी भी नहीं करते और उनको खाते भी नहीं है, शायद वो हिरण को पवित्र मानते। जबकि जारवा जाति में बच्चों को बालिक होने पर इसका नाम बदला जाता है और इसके लिए अजीब सा रिवाज है। जो भी बच्चों का नाम बदलने का होता है तो इस बच्चे को सुअर का शिकार करके गांव के सभी लोगों को खिलाना होता है, जबकि लड़कियों को मिट्टी, सुअर और तेल के गोद का तिलक लगाने के बाद ही उनका नाम बदला जाता है। ये जनजाति 16 नवंबर 2018 को फिर से एक बार सामने आई थी। उन्होंने जॉन एलन नाम के एक शख्स की हत्या कर दी थी। इसकी वजह से ये द्वीप फिर से लोगों के सामने आया था, लेकिन इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जॉन ने 14 नवंबर से ही वहां जाने का फैसला किया था, लेकिन वो नाकाम रहा और 2 दिन बाद उन्होंने फिर से यही कोशिश की और इस बार वो कामयाब हो गया। लेकिन इस बार उन्होंने उनको तीर कमान से उन पर हमला किया और उनको मार दिया, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि इस जाति को उनके इलाके में कोई भी रोक जोक करे या बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बावजूद भी जॉन ने वहां जाने का साहस किया, उसी वजह से वो मारा गया। इसमें उन लोगों का कोई भी कसूर नहीं है। उन्होंने जॉन को मारकर समुद्र के तट पर गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया और यह दृश्य देखकर वहां के मछुआरे भी वहां से भाग गए। सेंटिनल जाति के लोग वहां पर 60,000 सालों से रह रहे और आज तक भी चेंजेस नहीं हुए, जबकि जारवा जाति के आदिवासी 5,000 साल से अपना जीवन गुजार रहे और आज भी वो इसी तरह का जीवन गुजार रहे। दोनों जाति के लोग फल, शहद, कंदमूल, सुअर, कछुआ और मछली का भोजन ही करते हैं। दोनों के खाने में कोई भी चेंजेस नहीं है और दोनों जाति के लोगों ने आज तक अग्नि, नमक और शक्कर का टेस्ट नहीं किया। सेंटिनल जाति में एक विचित्र प्रथा है कि अगर वहाँ के कोई भी शख्स झोपड़ी में मृत्यु हो जाती है तो इस झोपड़ी को आज तक कोई भी छू नहीं सकता है और कोई भी उसमें रहने के लिए नहीं जाता है। वहाँ दूसरी तरफ जारवा जाति में एक प्रथा प्रचलित है कि यहाँ के स्त्री और पुरुष नग्न ही रहते, हालांकि कभी कभी वो लोग अपने शरीर का आभूषण और पत्तों की मदद से ढंकते हैं। जारवा आदिवासी में एक बात प्रचलित है, अगर इनके बच्चों का रंग थोड़ा भी गोरा होता है तो वहाँ के लोग ये समझते कि उनका पिता किसी दूसरी समुदाय के हैं और उनकी हत्या कर देते हैं और पुलिस को भी उनके मामले में दखल करने की इजाजत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। आज के दौर पर दुनिया में इतनी तरक्की हो गई है कि मानव का पूरा जीवन ही बदल चुका है। दुनिया चांद तक